तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम बिजनेस मार है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लास में। सो आज हम स्टार्ट करेंगे सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन 2018 का पार्ट सेकंड। जो इसमें हम पार्ट वन था उसमें हम बायबैक जो करते थे वो मेथड दे रखे थे, थ्री तीन मेथड थे। पहला एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उनसे बायबैक कर ले, या फिर दूसरा था बायबैक फ्रॉम द ओपन मार्केट। उस ओपन मार्केट में दो हिस्से थे, स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे या फिर बुक बिल्डिंग प्रोसेस से। और थर्ड था ऑल आउट बायबैक। सो हमने जो पहला था एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से हमें बायबैक करना था वो हमने कंप्लीट कर लिया, उसके प्रोसीजर पढ़ लिए थे वो हमने कंप्लीट कर लिया पहले वीडियो में, और दूसरे में ऑल आउट बायबैक वो भी कंप्लीट कर लिया। अब ये ऑल आउट बायबैक है जो उसमें ये बता रखा है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से हम बायबैक कर रहे हैं सेम वही प्रोसीजर ऑल आउट बायबैक करोगे तब अप्लाईकेबल होगा। सो अब हम पढ़ते हैं बायबैक फ्रॉम द ओपन मार्केट। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल को दबाना ना भूलना, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे चैप्टर वाइज वीडियो के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बायबैक फ्रॉम द ओपन मार्केट, जब ओपन मार्केट से इट मीन्स हम ओपन मार्केट से बायबैक जब करते हैं तो दो दो तरीके होते हैं बायबैक करने के लिए। कंपनी में बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी फ्रॉम ओपन मार्केट थ्रू स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकती है कोई भी बायबैक या फिर बुक बिल्डिंग प्रोसेस से। नाउ द कंपनी शैल इंश्योर दैट एटलीस्ट 50% ऑफ अमाउंट एम्बार्क फॉर बायबैक एज स्पेसिफाइड रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर और स्पेशल रिजर्व द केस में बी यूटिलाइज फॉर बायबैक शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी वेयर बायबैक इज अंडरटेकिंग थ्रू स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म। जो 50% सेल से वो मार्क होने चाहिए, अगर कोई भी सिक्योरिटी खरीद जा रही है बायबैक करी जा रही है और जिस बायबैक करी जा रही है वो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज हो रहा है ना। बात करते हैं प्रोसेसर के। पहला, बायबैक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज से कर रहे हैं ना। प्री कंडीशन इट मीन्स बायबैक करने से पहले कुछ कंडीशन होते हैं, उन्हें क्या 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 कंडीशन होंगे। द कंपनी में बायबैक ओनली हैविंग अ नेशनल वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, जिस स्टॉक एक्सचेंज की नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है वो इसी से बायबैक करना है। अब नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल किस किस की है, बीएससी और एनएनसी, उन दोनों से ही हम बायबैक कर सकते हैं। दूसरा, द बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज शैल नॉट बी मेड फ्रॉम द प्रमोटर और पर्सन इन कंट्रोल ऑफ द कंपनी, जिस पर्सन का कंट्रोल है किसी कंपनी में उससे या फिर प्रमोटर से हम बायबैक नहीं कर सकते अगर हम स्टॉक एक्सचेंज से कर रहे हैं तो। दूसरा, द बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल बी मेड ओनली थ्रू द ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म एक्सेप्ट ऑल और नॉन ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, जो ऑर्डर मैचिंग मैकेनिज्म है उसी से बायबैक करना है और किसी से नहीं करना। नाउ डिस्क्लोजर फाइलिंग रिक्वायरमेंट एंड टाइमलाइन ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, क्या क्या हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, फाइलिंग करनी पड़ेगी या फिर पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। द कंपनी शैल अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर, जैसा एग्जिस्टिंग में बताया गया था अपॉइंट करना पड़ेगा हमें मर्चेंट बैंकर को, एंड मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट इन मैनर स्पेसिफाइंग द बायबैक ऑफ शेयर्स थ्रू टेंडर ऑफर। ये याद रखना, जो एग्जिस्टिंग है ऑर्डर लॉट है या फिर थ्रू शेयर मार्केट है ओपन मार्केट है, उनमें कुछ ना कुछ ऐसे प्रोसीजर हैं जो सिमिलर हैं। सो उसे याद करके और थोड़े थोड़े जो पॉइंट है उन्हें याद करना हमें ज्यादा, और जो सिमिलर पॉइंट है उन्हें अच्छे से याद करके बस हमें थोड़े थोड़े पॉइंट कुछ कुछ पॉइंट हमें याद करने पड़ेंगे अलग से ना। पहला कंप्लीट, अपॉइंट करना पड़ेगा मर्चेंट बैंकर को और टेंडर ऑफर देना पड़ेगा बायबैक के लिए। पब्लिक अनाउंसमेंट शैल बी मेड विदिन टू वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन ऑफ और the date of declaration of result of the postal ballot for a special resolution as the relevant shall contain a disclosure is specified in this regulation। हमें public announcement भी देना पड़ेगा कि हम buyback करने वाले हैं, और public announcement हमें 2 दिन के अंदर देना पड़ेगा जब से हमारा board resolution pass हुआ या फिर postal ballot के जब से हमें postal ballot का result आया तब से। Now simultaneously with the issue of such public announcement the company shall file कॉपी ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट विद द सेबी अलोंग विद द प्रिस्क्राइब्ड फी। जब हम न्यूज़पेपर में पब्लिश कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, उसके साथ ही साथ हमें सेबी के पास भी फाइल करना पड़ेगा वो अनाउंसमेंट जो हम न्यूज़पेपर में कर रहे हैं। द पब्लिक अनाउंसमेंट शैल आल्सो कंटेन डिस्क्लोजर रिगार्डिंग डिटेल ऑफ ब्रोकर एंड स्टॉक एक्सचेंज थ्रू द विच बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी वुड बी मेड।
जो वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं उसमें हमने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एग्जिस्टिंग में पढ़ा था, वो तो होना ही होना चाहिए। उसके बाद ब्रोकर के डिटेल होने चाहिए और स्टॉक एक्सचेंज के डिटेल होने चाहिए और कितने शेयर्स खरीद रहे हैं और कितने प्राइस में खरीद रहे हैं, ये सब चीजें होना चाहिए। नाउ नोट, इन केस ऑफ बायबैक फ्रॉम द ओपन मार्केट नो ड्राफ्ट लेटर और ऑफर ऑफ लेटर ऑफ ऑफर इज रिक्वायर्ड टू फिल। जब हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे उसमें हमें ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर फाइल करना पड़ता था सेबी के पास, फिर वो कंफर्मेशन देती थी ना, वो चीज करना पड़ता था एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में। मगर हमें जब बायबैक ओपन मार्केट से करनी है तो हमें लेटर ऑफ ऑफर या फिर लेटर ऑफ ऑफर जरूरत नहीं होती ना। जब हमने अनाउंसमेंट कर लिया, डिस्क्लोजर कर लिया, बात करते हैं ओपनिंग ऑफ ऑफर ऑन स्टॉक एक्सचेंज। द आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी एज अ परचेस शैल बी अपीयर ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन व्हेन द ऑर्डर इज प्लेस्ड। जो कंपनी अगर आइडेंटिटी हो जाए कि परचेस करने है, तो वो अपीयर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पे अपना अपीयर करेगी ऑर्डर की, कितना उसे बायबैक करना है। द बायबैक ऑफर शैल बी ओपन नॉट लेटर देन 7 वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट एंड शैल बी क्लोज विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑफर। जब वो स्क्रीन पे ओपनिंग ऑफर बता दी कि हमें कितना शेयर्स खरीदना है, कितना नहीं खरीदना है, कितने प्राइस में खरीदना है, तो वो जो स्क्रीन पर ऑर्डर बताएगी, ओपन करेगी अपना ऑफर, बायबैक ऑफर, वो सेवन डे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब से पब्लिक अनाउंसमेंट दिया है 7 डे के अंदर ही वो ओपन हो जाना चाहिए ऑर्डर, और 6 मंथ के अंदर वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाना चाहिए। नाउ सब्सिक्वेंट कंप्लायंस, उसके बाद द कंपनी से सबमिट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेयर्स और द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बॉट बैक। जो सिक्योरिटी उन्होंने खरीदी है, बायबैक करी, बॉट बैक करी है, उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन देंगी to the stock exchange daily basis such in such a form as may be specified by the SEBI and shall be uploaded immediately on the official website stock exchange company website। अब जब opening order करे, हमने bought buy कर लिए जितने शेयर थे उतने, तो 6 मंथ में हम जितने रेगुलर बेसिस पे bought buy करते जाएंगे, हमें शेयर्स मिलते जाएंगे, हम bought buy करते जाएंगे, उन शेयर्स को हम किसे स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कंपनी, इन सब पे हम अपलोड करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, डे टू डे बेसिस पे। नाउ प्रोसीजर फॉर बायबैक शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इन फिजिकल फॉर्म, ये सब वो था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब बात करते हैं अगर हम बायबैक कर रहे हैं ओपन मार्केट से फिजिकल फॉर्म में, तो प्रोसीजर की बात करते हैं। अ सेपरेट विंडो शैल बी क्रिएटेड बाय द स्टॉक एक्सचेंज व्हिच शैल रिमेन ओपन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बायबैक फॉर अ बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इन ए फिजिकल फॉर्म। अगर बायबैक फिजिकल फॉर्म में हो रहा है तो उसके लिए स्टॉक एक्सचेंज एक सेपरेट विंडो बनाएगी जहां से बायबैक करे जाएंगे। नाउ द कंपनी शैल बायबैक शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी होल्डिंग अ फिजिकल शेयर ओनली थ्रू द सेपरेट विंडो आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस ऑफ एलिजिबल शेयर होल्डर बाय द ब्रोकर। ब्रोकर के द्वारा अगर सेपरेट विंडो के तहत द्वारा हम बायबैक कर रहे हैं तो ब्रोकर जो होंगे वो पहले अपने शेयर होल्डर से शेयर्स कर देंगे फिजिकल, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज को देंगे थ्रू द सेपरेट विंडो। देन द प्राइस एट व्हिच द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी आर बॉट बैक शैल बी वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस ऑफ द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी बॉट बैक अदर देन फिजिकल फॉर्म ड्यूरिंग द कैलेंडर वीक इन व्हिच द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी वेयर इज बाय द ब्रोकर। जो प्राइस होगा शेयर्स का जो हम फिजिकल फॉर्म में खरीद रहे हैं वो वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस पे होना चाहिए, और वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस ये तो हम FSM फाइल निकालना सीखते हैं और सेबी में जाएंगे, हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें बताएगा कि वॉल्यूम वेटेज प्राइस कैसे निकलते हैं, तो उतने पे बायबैक करी जाती है। However, the price of shares or other specified security tender during the first calendar week of the buyback shall be volume weighted average market price of the shares or other specified security of company during the preceding calendar week. Now, note. In a case no shares or other specified security were bought back in a normal market during the calendar week, the preceding week then when the company has last bought back the shares or other specified security may be considered. Agar first week mein buyback nahi kar pati hai shares, koi bhi shares hum buyback nahi kar pate physical form mein, to uske baad jo dusra week aayega usme buyback kare hue security hum specify karenge. Now ab फिजिकल फॉर्म वाला हो गया प्रोसेस, अब बात करते हैं एस्क्रो अकाउंट की। हमने एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर में भी एस्क्रो अकाउंट ओपन करा था और ये ओपन मार्केट करना, इसमें भी हमें एस्क्रो अकाउंट ओपन करनी ही पड़ेगी। नाउ
अब उसमें कितने अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, द कंपनी सेल बिफोर ओपनिंग ऑफ ऑफर क्रिएट एस्क्रो अकाउंट टुवर्ड द सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर दिस रेगुलेशन एंड डिपॉजिट इन एस्क्रो अकाउंट 20% ऑफ अमाउंट एम्बार्क फॉर द बायबैक एज स्पेसिफाइड इन द रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड और स्पेशल रेजोल्यूशन इज द केस में। जितने का बायबैक हम करने वाले हैं उसके 20% हम डिपॉजिट करेंगे एस्क्रो अकाउंट में। देन इसको अकाउंट में भी इन फॉर्म ऑफ जैसा बताया गया कैश डिपॉजिट हो सकता है एंड बैंक गारंटी हो सकता है इन इशू फेवर ऑफ मर्चेंट बैंक और बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। दो तरीके से उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर दे या तो फिर हम बैंक गारंटी इशू कर दे इन फेवर ऑफ मर्चेंट बैंक द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। नाउ For such a part of escrow account as is a form of the cash deposit with the scheduled commercial bank, the company while opening the account empowered the merchant banker to instruct the bank to make a payment of amount lying to the credit escrow account to meet the obligation arising out. जो escrow account में हमने पैसा deposit करा हुआ केवल की केवल ही buyback के लिए ही होना चाहिए, उसी purpose के लिए होना चाहिए। Now, the such part escrow account as in a form of bank guarantee the same shall be favored in merchant bank and shall be kept valid for period of 30 day after expiry of buyback period of offer or till the completion of obligation under this regulation whichever later। मगर अब buyback जो हमने guarantee के favor में escrow का account में deposit कर रखा है guarantee favor में merchant banker के favor में वो केवल valid होगा 30 day के लिए। जब से हमारा buyback complete हो रहा है उसके complete होने के बाद थर्टी डे के लिए वैलिड होगा guarantee bank guarantee जो हमने दी गई है। shall be returned by merchant banker till the completion of obligation under the regulation। now Where the part of escrow account is the form of bank guarantee, the company shall deposit with the scheduled commercial bank in case some at least 2.5% of the total market amount market embark for the buyback of specified resolution of board of director specific। अगर बैंक गारंटी के फेवर में करा गया इसको अकाउंट तो उसमें 2.5% कितना 2.5% टोटल अमाउंट जितना बायबैक करना उतना डिपॉजिट करना पड़ता है। Now, the amount may be released from escrow account for making of payment to shareholder subject to at least 2.5% of the amount embarked for buyback as specified resolution। जो अगर और जो 2.5% हमने डिपॉजिट करा एस्क्रो अकाउंट में जब हम बैंक गारंटी ले रहे थे, सो वो जो पैसा है वो केवल तभी होगा जब हम शेयर होल्डर को पेमेंट करेंगे। Now, after utilization of 50% of amount embarked for buyback as specified in a resolution of the board of director or special resolution in the case may be the amount of the guarantee remaining in escrow account if and shall be release of the company। jab 50% jo humne amount rakh rakha tha apne paas rakha uska 20% hi humne use usme karte hain escrow account mein। जब हमारा पैसा यू अब हम consideration दे देंगे शेयर होल्डर को जिसे बायबैक कर रहे हैं 50% तभी हम जो एस्क्रो अकाउंट में रख रखे थे उसको रिलीज कर सकते हैं नहीं तो नहीं कर सकते। नाउ इन द इवेंट ऑफ द नॉन कंप्लायंस स्पेसिफाई अबव सेबी में डायरेक्ट मर्चेंट बैंकर टू फॉरफिट द एस्क्रो अकाउंट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 2.5% ऑफ द अमाउंट एम्बार्क फॉर द बायबैक एज स्पेसिफाइड इन द रेजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्पेशल एज द केस में बी एक्सेप्ट इन द केस वेयर volume of weighted average market price of shares or other specified security of company during buyback period was higher than the buyback price is certified to the merchant banker banker as the input or provider of the stock exchange। इसमें क्या बताया गया है जो इवेंट है नॉन कंप्लायंस अगर हो रहा है जो ऊपर नॉन कंप्लायंस से ऊपर दे रखे हैं वो नॉन कंप्लायंस कर रहे हैं तो सेबी बोल सकती है कि आप अपने जो बैंक ओपन करवाया था एस्क्रो अकाउंट करवाया था उसे आप फॉरफिट कर देंगे मगर कितना सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2.5% अमाउंट बार बार बायबैक और बोर्ड रेजोल्यूशन मगर कब नहीं कर सकते जब कब नहीं करा जा सकता वैल्यूम वेटेज एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी कंपनी ड्यूरिंग बायबैक पीरियड हायर देन द बायबैक प्राइस। सो एवरेज वॉल्यूम वेटेज एवरेज मार्केट प्राइस है वो हायर है बायबैक प्राइस से जो आइडेंटिफाई करा गया था क्लैरिफाई करा गया था मर्चेंट बैंकर से तब नहीं कर सकते प्रॉफिटेड एंड Tell order where the inadequate despite the buyback order place of the company certified by the merchant banker based on the input provided by the stock exchange और जो sell order है वो ज्यादा हो गए जितना merchant banker ने बोला था उससे ज्यादा हो गए तब नहीं करा जा सकता। Such as circum exist where the beyond the control of the company and opinion of the SEBI सभी का opinion लग रहा है कि ये नहीं करा जा सकता और कंपनी की जो circumstances थे उससे आगे जा रहा है beyond जा रहा है तब नहीं कर सकते।
मेरिट कंसिडरेशन में नहीं कर सकते हैं। इवेंट ऑफ द फॉरफिचर फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑब्लिगेशन इज स्पेसिफाइड दिस रेगुलेशन, तब नहीं करा जा सकता फॉरफिटेड ऑफ एस्क्रो अकाउंट। अब एस्क्रो अकाउंट में आ गए, हमने पैसे कंसिडरेशन पे कर दिए शेयर होल्डर को, उसके बाद हम शेयर सर्टिफिकेट को एक्सक्यूग्निसमेंट कर देंगे। नाउ द प्रोविजन पर्टेंट टू एक्सक्यूग्निसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट और टेंडर ऑफर स्पेसिफाइड आवर शैल बी अप्लाई फॉर एक्सक्यूग्निसमेंट सर्टिफिकेट फॉर द बायबैक फ्रॉम द ओपन मार्केट वेरीफाई एक्सेप्टेंस कंप्लीट बाय द कंपनी विद इन अ 15 डे ऑफ द पे आउट। जब से पे आउट करे उसके 15 डे के अंदर हमें अपनी सर्टिफिकेट को एक्सक्यूग्निसमेंट कर देना होता है। नाउ अब हमने कर ओपन मार्केट से पहले बात करते हैं बुक बिल्डिंग के, टू बुक बिल्डिंग प्रोसेस से। नाउ प्री कंडीशन, पहले प्री कंडीशन क्या होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन और बोर्ड रेजोल्यूशन द केस में बी सेल बी पास फ्रॉम फॉर द ऑथराइजेशन ऑफ बायबैक शेयर्स और द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इन मैनर स्पेसिफाइड अंडर दिस रेगुलेशन। स्पेशल रेजोल्यूशन और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। डिस्क्लोजर की बात करते हैं, द कंपनी शैल अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर, जैसा बताया गया था पब्लिक अनाउंसमेंट देना पड़ेगा और डिस्क्लोजर देना पड़ेगा पब्लिक अनाउंसमेंट में अंडर दिस रेगुलेशन। देन पब्लिक अनाउंसमेंट जो होता है शैल बी मेड हो जाना चाहिए एटलीस्ट 7 डे प्रायर टू कमिसमेंट ऑफ बायबैक। बायबैक जब होने वाला है उससे पहले 7 डे पहले ही हमें पब्लिक अनाउंसमेंट दे देना है। पब्लिक अनाउंसमेंट शैल बी आल्सो कंटेन डिटेल मेथोडोलॉजी ऑफ बिग बिल्डिंग प्रोसेस द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द फॉर्मेट ऑफ एक्सेप्टेंस और बी सेंड बाय द सिक्योरिटी होल्डर पर्सन टू द पब्लिक अनाउंसमेंट। जैसे आईपीओ आता है बायबैक, सॉरी आईपीओ जब आता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस से, वैसे ही हम बायबैक भी कर सकते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। इसमें परसेंटेज दिया रहता है कि हम कितना परसेंटेज किसके पास से बाय करेंगे वो दिया रहता है। इसमें मैंने सेपरेट बना रखी है वीडियो, उससे जाके आप देख सकते हैं बायबैक के बारे में, सॉरी बुक बिल्डिंग प्रोसेस के बारे में कैसा होता है। नाउ बुक बिल्डिंग के बाद अकाउंट ओपन करवाएंगे और उसमें डिपॉजिट करेंगे अमाउंट इज एस्क्रो अकाउंट स्पेसिफाइड इन बायबैक थ्रू द टेंडर ऑफर शैल आल्सो अप्लाई टू बायबैक शेयर और द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी थ्रू द बुक बिल्डिंग प्रोसेस। द डिपॉजिट एस्क्रो अकाउंट शैल बी मेड बिफोर द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट। द अमाउंट डिपॉजिट इन एस्क्रो अकाउंट शैल बी डिटरमाइंड इफ द रेफरेंस मैक्सिमम प्राइस स्पेसिफाइड बाय पब्लिक अनाउंसमेंट। नाउ फाइलिंग द सेबी विद द सेबी अ पब्लिक अनाउंसमेंट सेबी को फाइल करना पड़ेगा विद इन 2 डे अनाउंसमेंट अलोंग विद द पिस्काफ फी ऑफर प्रोसीजर। द बायबैक प्रोसीड सॉरी बुक बिल्डिंग प्रोसीड शैल बी मेड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक लिंक ट्रांसफर फैसिलिटी। द नंबर ऑफ बिल्डिंग सेंटर्स शैल नॉट बी लेस देन 13 एंड देयर शैल बी एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रॉनिक लिंक कंप्यूटर टर्मिनल एट द बिल्डिंग सेंटर। क्या होता है जब हम बायबैक करते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस से, तो कितने अमाउंट पे बायबैक करना है उसके लिए बिड करी जाती है और बिड जिसके सबसे ज्यादा बिड होता है जिसके अमाउंट पे जिस अमाउंट पे उस अमाउंट पे बायबैक करी जाती है। तो बायबैक के लिए जब हम बिड करेंगे बिल्डिंग सेंटर होना चाहिए जिसमें नॉट लेस देन 30 एंड देयर शैल बी एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होना चाहिए टर्मिनल के लिए बिडिंग करने के लिए। देन ऑफर ऑफ बायबैक शैल बी रिमेन ओपन टू सिक्योरिटी होल्डर फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 50 एंड नॉट एक्सीडिंग 13 डे। जो बायबैक हो रहा है थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस वो ओपन होना चाहिए 15 डे के लिए और मैक्सिमम डे कितना होना चाहिए 30 डे, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मर्चेंट बैंकर कंपनी शैल डिटरमाइन बायबैक प्राइस बेस्ड ऑन द एक्सेप्टेंस रिवाइज्ड। द फाइनल बायबैक प्राइस विच शैल बी हाईएस्ट प्राइस एक्सेप्टेड टू ऑल होल्डर हुज शेयर्स आर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। द प्रोविजन पर्टेंटिंग टू वेरिफिकेशन एक्सेप्टेंस एंड प्रोविजन पर्टेंटिंग ओपन स्पेशल अकाउंट कंसिडरेशन टेंडर ऑफर शैल बी एप्लीकेबल मच्यूमेंडिस बायबैक शेयर्स एंड एक्सक्यूग्निस। सिंपल इसमें यही बताया गया, जैसे प्रोसेसर सामने सही तरीके से हमारा ओपन अकाउंट करना है उसमें पे कर देना है और जो प्राइस होगा मर्चेंट बैंकर और जो बिट लगी होगी उसके अकॉर्डिंग करा जाएगा। उसके बाद बायबैक होने के बाद कंसिडरेशन पे करने के बाद हमें अपने शेयर्स को एक्सक्यूग्निस कर देना है। नाउ अब बात करते हैं कुछ ऑब्लिगेशन, जो बायबैक करी जा रही है तो कुछ ऑब्लिगेशन होते हैं, उन्हें क्या क्या ऑब्लिगेशन होते हैं। नाउ पहला ऑब्लिगेशन कंपनी के लिए और ऑब्लिगेशन ऑफ मर्चेंट बैंकर, पहले कंपनी की बात करेंगे। द लेटर ऑफ ऑफर आर पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफर एंड अनदर एडवर्टाइजमेंट सर्कुलर ब्रोशर पब्लिक मटेरियल शैल कंटेन ट्रू एंड फैक्चुअल एंड मटेरियल इन्फॉर्मेशन शैल नॉट कंटेन एनी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन एंड मस्ट स्टेट द डायरेक्टर ऑफ कंपनी एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबल इन्फॉर्मेशन कंटेन इन सच डॉक्यूमेंट। अगर कोई भी हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं सर्कुलर कर रहे हैं और ब्रोशर पब्लिक मटेरियल उसमें सब सही होना चाहिए और सही मटेरियल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कोई भी ऐसा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। ये कंपनी का ऑब्लिगेशन पहला था। दूसरा ऑब्लिगेशन मर्चेंट बैंकर, द कंपनी एबल टू इंप्लीमेंट द ऑफर, वो करेगा इंश्योर करेगा कि जो कंपनी है वो
सही तरीके से इंप्लीमेंट करने लायक है कि नहीं, और प्रोविजन रिलेटिंग टू एस्क्रो अकाउंट हैज बीन कंप्लाई, एस्क्रो अकाउंट में ओपन करना है, ओपन करने के बाद उसमें अमाउंट जितना डिपॉजिट करना वो कर रही है कि नहीं, फॉर्म अरेंजमेंट फॉर मनी फ्रॉम द पेमेंट टू फुलफिल ऑब्लिगेशन अंडर ऑफर आर प्लेस, जो हमें कंसिडरेशन पर करने हैं उतने अमाउंट है कि नहीं कंपनी के पास, वो इंश्योर करेगा। देन कंपनी शैल नॉट इशू एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग बाय वे ऑफ बोनस टिल द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ बायबैक पीरियड ऑफ ऑफर और अंडर दिस रेगुलेशन। बोनस कोई भी इशू नहीं कर सकती कंपनी जब तक बायबैक कंप्लीट नहीं हो जाता। द कंपनी शैल पे द कंसिडरेशन ओनली बाय वे कैश, जो कंसिडरेशन पे करना जिसे हमने शेयर खरीदा कैश में ही पे करेंगे और कोई अमाउंट नहीं होना चाहिए। कंपनी शैल नॉट withdraw the offer buyback after the draft letter of offer is filled with the SEBI or public announcement of offer। जब हम draft offer file कर देते हैं SEBI के पास, जब existing shareholder से buyback करते हैं, उसके बाद हमने जब draft letter of offer हमने file कर दे SEBI के पास, तब हम withdraw नहीं कर सकते buyback offer। Now अब बात करते हैं किसकी, merchant banker की। कुछ ensure करने थे, public announcement buyback is time और रेगुलेशन के साथ हो रहा है, लेटर ऑफ ऑफर फाइल करी जा रही है सेबी के साथ, ड्यू डिलिजेंस सर्टिफिकेट इशू हो रहा है सही तरीके से, द कंटेंट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफर एज लेटर ऑफ ऑफर आर फेयर एंड एडुकेट एंड कोटिंग द सोर्स ऑफ वेयर नेवर नेसेसरी। नाउ ड्यू कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 68, 69 एंड 70 ऑफ कंपनी एक्ट कंप्लाई करा जा रहा है। बैंक विद होम एस्क्रो अकाउंट स्पेशल अकाउंट हैज बीन डिपॉजिट, रिलीज द बैलेंस अमाउंट टू कंपनी ओनली द अपॉन अ फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन बाय द कंपनी अंडर द रेगुलेशन। जो हम एस्क्रो अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, वो तभी रिलीज करा जा रहा है जब हमारे फुलफिल कंडीशन हो जा रहे हैं बायबैक के तब, एंड फाइनल रिपोर्ट सबमिट करे जा रही है सेबी के सारे बायबैक होने के बाद विद इन 15 डे एक्सपायरी ऑफ द बायबैक पीरियड। अब बात करते हैं कंपनी की, द प्रमोटर हिज प्रमोटर और हिज और देयर एसोसिएशन शैल बी नॉट डील इन शेयर्स और द स्पेसिफिक, जैसे हमने कहा था कि प्रमोटर से और जिसके पास जिसका कंट्रोल होता है कंपनी पे उसे हम बायबैक नहीं कर सकते, वो नहीं होना चाहिए। द कंपनी शैल नॉट रेज फर्दर कैपिटल फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ बायबैक पीरियड, और जो कंपनी को लगता है कि 25% से कम, जैसे सेक्शन 19(1)(a) में बताया गया था ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन 1957 में बताया गया था कि 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। सो अगर वो कम होता है तो हम वन ईयर के बाद ही एक्सपायरी पीरियड होने के बाद हम फर्दर रेज कर सकते हैं कैपिटल। नाउ नो पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ बायबैक शैल बी मेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी स्कीम ऑफ एलिमिनेशन और कॉम्प्रोमाइज, कोई भी बायबैक ऑफर नहीं होना चाहिए अगर वो कंप्रोमाइज एम्बलिगेशन और कंप्रेजमेंट हो रहा है तो। कंपनी शैल नॉमिनेट द कंप्लायंस ऑफिसर इन्वेस्टर एंड सर्विस सेंटर कंप्लायंस विद द बायबैक रेगुलेशन, अपॉइंट करेगी एक कंप्लायंस ऑफिसर की कंप्लायंस को ध्यान दे, पर्टिकुलर सिक्योरिटी और सर्टिफाइड एक्सटिगुनेस डिस्टोर सेल्वी फर्निस, जो सिक्योरिटी बायबैक करने के बाद जितने भी सर्टिफिकेट वो सही तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए, सस्टेक एस्टिगुनिस कर दिए और फर्निश कर दिया हमने स्टॉक एक्सचेंज को, हमने की शेयर्स अपने एस्टिगुनिस और डिस्ट्रॉय कर दिए उसके बारे में। देन द कंपनी शैल नॉट बायबैक इन लॉक इन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, नॉन ट्रांसफर शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी पेंडेंसी ऑफ लॉक इन और टिल द स्पेसिफिक सिक्योरिटी बिकम ट्रांसफर, जो शेयर्स हम ट्रांसफर नहीं कर सकते और लॉक इन पीरियड के अंदर है उन्हें उसके वो शेयर्स बायबैक नहीं करे जा सकते, ये ध्यान देगी कंपनी। देन द कंपनी शैल विद इन 2 डे ऑफ एक्सपायरी ऑफ द बायबैक पीरियड इशू पब्लिक अनाउंसमेंट, सिंपल सी बात है जब बायबैक कंप्लीट हो जाएगा उसके 2 डे के बाद, कंप्लीट होने के बाद 2 डे के बाद पब्लिक एडवर्टीजमेंट देगी कि हमने कितना बायबैक कर लिया है। The subsequent change in the capital structure and the shareholding pattern after the before the buyback, the company in addition to these regulations and comply the provision of buyback contained in Company Act the applicable law. Power of SEBI to relax strict information of regulation. Now SEBI may, in the interest of investor and security market, relax the strict enforcement of any requirement of these regulation except the provision incorporated in Company Act if the SEBI satisfy that the requirement of procedure in nature and requirement may be caused to under the hardship of investor for seeking relaxation. Relaxation दे सकती है कभी कभी और कब दे सकती है और किस तरीके से दे सकती है उसके बारे में पढ़ेंगे। The company shall file application with the SEBI support a duly sworn and affidavit given detailed ground of such relaxation has been sought. वही सब बारे में बता रखा है। अब buyback vis-a-vis compliance of the SEBI
एक्विजिशन एंड टेक ओवर, शेयर्स एक्विजिशन एंड सब्सीक्वेंट टेक ओवर रेगुलेशन 2011 के बारे में देखा। जब हम बायबैक पढ़ेंगे उसके साथ ये भी रेगुलेशन पढ़ेंगे, उसमें ये दे रखा है कि जब बायबैक कर सकते हैं तो उसमें जो कंट्रोल है 25% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जब हम 5% लिमिट जा रही है तो उसमें हमें हमें सेबी को बताना पड़ता है कि हम इतना हमारे शेयर होल्डिंग हो गई, वही सारी चीज दे रखी है। हम सब्सिडियरी एक्विजिशन पढ़ेंगे, उसमें हम बहुत अच्छे से बढ़ेंगे और इसे उस टाइम से अटैच करेंगे हम बायबैक रेगुलेशन को। ना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। सो आज के लिए वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपने कुछ पढ़ा है, अगर इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फ्यूचर अपडेटिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।